धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर शहर के बथेड़ी रोड स्थित शंभू रिसोर्ट में धौलपुर पुलिस के तत्वाधान में जयपुर से आई माइंड रूट फाउंडेशन के साथ एम्स दिल्ली से प्रशिक्षित डॉक्टर डीएस पुनिया से परिचर्चा कर मानसिक स्वास्थ्य की एबीसीडी समझने के लिए आयोजित मोटिवेशनल सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पहुंचे स्कूली छात्र छात्राओं ने शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ली। वहीं धौलपुर आरएसी बटालियन के चिकित्सक डॉक्टर परमेश चंद्र पाठक ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन का वह भाग है जिस पर शायद हम सबसे कम विचार करते हैं, या यूं कहें किसी से साझा करने में भी हम कतराते हैं। हमारी परवरिश में शुरू से ही शारीरिक स्वास्थ्य पर तो पुरजोर ध्यान दिया जाता है, पर मानसिक स्वास्थ्य के कखा गा के बारे में नहीं बताया जाता। ऐसे में जीवन के कई मोड़ों पर, चाहे वे स्कूल कॉलेज में पढ़ते समय हो या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के समय, हम में से कई ने तनाव, अवसाद इत्यादि को भलीभांति अनुभव किया है। हम में से जो लोग मानसिक रूप से मजबूत थे, या यूं कहें मानसिक रूप से स्वस्थ थे, वो इन मनोवैज्ञानिक विकारों को समझकर अनवरत संघर्ष करते रहे और मंजिल पा गए, और बहुत से मानसिक रूप से कमजोर पथ से हट गए, और कई तो इसके चरम पर पहुंचकर नशे इत्यादि की लत में पड़ जाते हैं, या कुछ एक तो आत्महत्या का भी प्रयास करते हैं। इतने भयंकर मानवीय पक्ष पर हम चर्चा से हमेशा बचते नजर आते हैं। इसी भाव को धौलपुर जिले के युवा पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा द्वारा समझा गया और स्कूल पुलिस जेल गाँव सहित तमाम समाज के अंगों के लिए परिचर्चा का आयोजन जिले भर में रखा गया है। वहीं मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर डीएस पुनिया ने बताया कि जिस प्रकार हम शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, उसी प्रकार हमें मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के कमजोर होने या बिगड़ने पर कई प्रकार की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, जो कई बार एक बड़े खतरे को ही ओर ले जाती है, यहाँ तक कि व्यक्ति को अवसाद घेर लेते हैं, अथवा कई लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं, जिनमें किशोर और युवाओं की संख्या ज्यादा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उक्त संस्था को पूरे प्रदेश में लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी है, और इसी को मिशन के रूप में अपनाते हुए वे जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के आग्रह पर धौलपुर पहुंचे हैं। कार्यक्रम के दौरान कई प्रकार के एग्जाम्पल देते हुए छात्र छात्राओं से कुछ प्रश्न पूछे और मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा भी की। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में मानसिक विकार को एक बड़ा रोग मानते हुए छुपाया जाता है, यहां तक कि झाड़ फूक और टोने टोटके पर ज्यादा विश्वास करते हुए लोग अपने बच्चों और युवाओं को एक अवसाद में पहुंचा देते हैं, जिससे बीमारी बिगड़ जाती है। इसलिए हर किसी भी प्रकार से इसमें कोई परहेज ना करते हुए तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए और उचित उपचार भी लेना चाहिए। और 3 दिसंबर को सीएम श्री अशोक गहलोत जी ने इनोग्रेट किया था, और मोबाइल बस क्लिनिक को हमने इसीलिए तैयार किया है कि हमारा एक चौपाल नाम से प्रोग्राम है, जिसमें हम गांवों के बीच जाते हैं और गांव वालों को मानसिक बीमारियां, नशे की बीमारियों के बारे में बताते हैं और जरूरत पड़ने पर परामर्श भी उपलब्ध कराते हैं। अभी हम पिछले दिसंबर से लेकर अब तक 31 गांवों का भ्रमण किया है, और उसी चौपाल प्रोग्राम के तहत आज हम बाड़ी में हैं, जहाँ स्कूली बच्चों के साथ मानसिक बीमारियां और नशे की बीमारियों के बारे में चर्चा करें और उन्हें बताएं। कंपटीशन के युग में ये स्वाभाविक है कि मेंटल परेशानियां हो सकती है, बिकॉज दिमाग जो है बच्चों का हर जगह पर कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में लगा हुआ है। परफॉर्मेंस एनहांसर्स, परफॉर्मेंस बूस्टर्स, इस तरह के ड्रग्स कुछ बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ बुरी आदतें के भी शिकार हुए हैं, इनको एलिमिनेट करने के लिए ये बहुत अच्छा प्रयास है, और समाज को इसके प्रति सेंसिटिव करना ये बहुत बड़ा दायित्व है जो आपने लिया है। और वहीं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल केसरबाग धौलपुर के प्रिंसिपल ले कर्नल नीलेश इंगले ने कहा कि कुछ दिनों बाद बच्चों की बोर्ड परीक्षा होने जा रही है, ऐसे में ऐसे आयोजनों से बच्चों को सबल मिलेगा। बच्चों के परिजनों को भी चाहिए कि वे उनकी देखभाल करें और उन्हें समय दें। कार्यक्रम में एडिशनल एसपी राजेंद्र वर्मा ने भी मंच से अपना उद्बोधन दिया और बच्चों को मन से परीक्षा देने और किसी प्रकार से भयभीत नहीं होने की सलाह दी। बारी धौलपुर से राजकुमार शर्मा के साथ ईटीवी भारत की रिपोर्ट।